एक राज्य में सेनापति की पत्नी को एक नौकर से प्यार हो गया। इस राज्य का नियम था कि यदि किसी को दूसरे से प्यार हो जाता है तो उसे सजा नहीं दी जाएगी, क्योंकि प्यार किसी से जबरदस्ती नहीं किया जा सकता। राजा ने फैसला किया कि सेनापति और नौकर के बीच एक लड़ाई होगी और जो इसे जीत लेगा महिला उसकी हो जाएगी। लड़ाई का नाम सुनते ही नौकर डर गया, क्योंकि वो पतला दुबला था। उसने कभी तलवार नहीं उठाई थी, जबकि सेनापति तलवार चलाने में माहिर था और ताकत में उस नौकर के मुकाबले 10 गुना ज्यादा ताकतवर था। दोनों में लड़ाई हुई, लेकिन ये लड़ाई नौकर जीत गया। सेनापति नौकर के हाथों मारा गया। सब हैरान हो गए, आखिर ये कैसे हुआ। एक व्यक्ति ने नौकर से पूछा, आखिर तुम कैसे जीत गए। नौकर ने जवाब दिया, मैंने लड़ाई से पहले सोच लिया था, मेरे पास लड़ने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, और अब जब मुझे मरना ही है तो मैं आखिरी बार लड़ाई में अपना सब कुछ दांव पर लगा दूंगा, और जब मैं पूरे जी जान से लड़ा तो मेरी ताकत 10 गुना बढ़ गई और मैं जीत गया। दोस्तों, मरना तो एक दिन आपको भी है, फिर क्यों आप हारे हारे और डरे डरे जीवन जी रहे हो। एक बार हिम्मत करके तो देखो, आपकी हिम्मत के आगे बड़े बड़े ताकतवर झुक जाएंगे और आप सबको पीछे कर जाओगे। अपने एक लक्ष्य को पाने के लिए एक बार अपना सब कुछ दांव में लगाकर तो देखो। अपने एक लक्ष्य के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन ही मत रखो। इसे एक चीज को पाने के अलावा मेरा कोई लक्ष्य नहीं था। अगर मैं जीते जी अपने इस लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाया तो मेरा दुनिया में आने का कोई अर्थ नहीं है। नौकर की तरह आप में भी बहुत सी छिपी हुई शक्तियां हैं। जब आपके पास एक ऑप्शन के अलावा, एक लक्ष्य के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं बचेगा तो सारी शक्तियां एक दिशा में काम करेंगी और आप बड़े बड़े लोगों से मुकाबला करोगे और जीत जाओगे। फिर आपके टक्कर में बड़े बड़े ताकतवर भी नहीं टिक पाएंगे। उठाओ और आगे बढ़ो। किसी का ब्रेकअप हो जाता है, या कोई आपको रिजेक्ट कर देता है, या आपकी कद्र करना बंद कर देता है, आपको वैल्यू देना बंद कर देता है, तो कई लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं या अपनी जिंदगी बर्बाद समझने लगते हैं। कई लोग खुद को जिम्मेदार मानते हैं कि मेरी वजह से ये सब हुआ है। कई लोग सामने वाले को जिम्मेदार मानते हैं कि सारी की सारी गलती उसकी थी। कई लोग दिमाग लगाते रह जाते हैं, काश मैं ऐसा कर लेती तो वो पर्सन मुझे छोड़कर नहीं जाता। लेकिन असल कारण इन सब बातों से कहीं दूर है। सबसे पहले एक बात समझो, अगर कोई पर्सन आपके जीवन से जा चुका है या आपकी कद्र करना बंद कर चुका है तो आपने गलती जरूर की होगी कि आप उस पर्सन के लिए 24 घंटे अवेलेबल रहे होंगे। ह्यूमन नेचर और मन की प्रवृत्ति कुछ ऐसी है कि अगर हम बहुत ज्यादा देर किसी के साथ रहने लगते हैं या दिन भर किसी के लिए अवेलेबल रहते हैं तो मन उस पर्सन से बोर होने लगता है। दूसरी गलती आपने ये की होगी, आपने अपने काम, अपने कैरियर, अपनी पढ़ाई से भी ज्यादा इंपॉर्टेंस उस पर्सन को दी होगी। और आज की दुनिया कुछ ऐसी है कि अगर आप किसी को लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दोगे तो वो समझ जाता है इसकी लाइफ में मेरे अलावा कोई खास चीज है ही नहीं, और ये जानने के बाद वो व्यक्ति धीरे धीरे आपकी कद्र करना बंद कर देता है। आपका ब्रेकअप किसी भी वजह से हुआ हो, एक बात समझ लो, जो निभाने वाले होते हैं ना, वो किसी चीज की परवाह नहीं करते, वो हर हाल में निभाते हैं, और जिसे जाना होता है वो 1000 बहाने आपको बता देगा। आपको किसी भी सिचुएशन के लिए खुद को गलत समझने की कोई जरूरत नहीं है। आपसे जितना हुआ आपने अपना बेस्ट दिया, उसके बाद भी कोई नहीं रहना चाहता तो उसे मत रोको। कुछ लोग अपनी बेइज्जती करवाने के बाद भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खोकर किसी पर्सन का इंतजार करते हैं। एक बात समझो, एक मैदान में दो लोगों के बीच लड़ाई हो रही है। कुछ सालों महीनों तक लड़ाई चली और अब मैच खत्म हो चुका है। पहला पर्सन मैदान छोड़कर हमेशा के लिए जा चुका है, लेकिन दूसरा पर्सन महीनों सालों बाद भी बेवकूफों के जैसे उस पहले पर्सन का इंतजार कर रहा है। ये दूसरे पर्सन आप ही हो, करते रहो, उसका इंतजार खेल खत्म हो चुका है। और मानो या ना मानो, पहला पर्सन आपके साथ रहते हुए भी आपसे अलग हो चुका था। वो पर्सन तो कब से आपसे अलग हो चुका था, लेकिन आप अंधे बने रहे। छोड़ दो मैदान, निकल जाओ आप भी बाहर, अब रुकने से कोई फायदा नहीं है। एक बात कहूं, जिंदगी भर अकेले रह लेना, लेकिन कभी किसी के आगे अपने प्यार के लिए गिड़गिड़ाना या भीख मत मांगना, क्योंकि ऐसा करने पर वो आप पर दया नहीं करेंगे बल्कि आप उसकी नजर में और ज्यादा जलील होंगे। उस मैदान में खेले हुए खेल में कितनी हसीन यादें क्यों न रही हो, आप उसका चैप्टर बंद कर दो। क्या रोना उसके जाने से जो रुकना नहीं चाहता। अब खुद समझ लो जिंदगी में सेल्फ रिस्पेक्ट, खुद से प्यार और बड़ा करियर कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी आपका ये हाल है, अगर आगे भी आपकी ये तीनों चीजें नहीं मिली तो जिंदगी भर लोग आपको लात मारकर धुतकारते रहेंगे। अपने लिए जियो, इतने सफल बनो, इतने सफल बनो, इतने सफल बनो, इतने सफल बनो कि जो पर्सन तुम्हें छोड़कर गया है उसे तो क्या, उसके खानदान की 7 पीढ़ी तक को अफसोस हो। मुझे पता है इस पोस्ट को पढ़ने वाले पर्सन में इतना गुण है कि वो बहुत कुछ कर सकता है, सकती है।
इसीलिए रोने का नहीं, अपने आप को लायक बनाने का समय है, क्योंकि दुनिया उसी का सम्मान करती है जो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं खोता, उसी से प्यार करती है जो खुद से प्यार करता है, और उसी से दबती है जिसके पास पैसे और कैरियर होता है। उठो, आगे बढ़ो और उस पर्सन को इंपॉर्टेंस देना छोड़ो। जीवन बहुत कीमती है दोस्त, इसे टू कौड़ी के लोगों के पीछे बर्बाद मत करो। मैं आपके साथ हूं, मेरा प्रेम स्वीकार कीजिए। इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर शेयर करना जो इन सब टेंशन में फंसे हैं। आपके एक शेयर से किसी को हिम्मत मिलेगी। पूरी वीडियो इतने प्यार से पढ़ने के लिए आपका धन्यवाद।